नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग आज आपको एक बहुत पुरानी हमारी किचन की आयुर्वेद की बरसों से घर में काम में ली जा रही चीज मुलैठी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि सर्दी का सीज़न है, कफ है, कुछ वायरल बीमारियाँ हैं उसमें भी लोगों को बहुत कफ हो रहा है और घरों में सदियों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। नाट्य कलाकार अपनी आवाज़ को अच्छा करने के लिए, पेट के सूदनिंग के लिए, एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए इसका उपयोग आयुर्वेद में और हमारे घरों में दादी नानी बताती रही हैं। हम इसके चमड़ी मीन्स स्किन स्कैल्प हेयर के ऊपर क्या फ़ायदे होते हैं आज अपन उसके डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मैंने बताया आपको एक प्लांट होता ल्यूकोराइस, उसकी जड़ होती है ल्यूकोराइस की, इट इज द रूट ऑफ ए प्लांट कॉल्ड ल्यूकोराइस, ओके। एंड वी इट आल्सो एक्ट एज ए स्वीटनिंग एजेंट, एज आई सेड सूदिंग एजेंट फॉर द स्टोमक एंड कफ एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडाइजेशन एंड आल्सो इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल। दिस कैन बी यूज्ड एज ए पाउडर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, यू मेक ए पाउडर ऑफ इट, देन यू कैन यूज इन वेरियस फॉर्म और यू कैन पुट इट इन एन ऑयल और यू कैन मेक एक्सट्रैक्ट ऑफ इट और द रूट्स कैन बी च्यूड डायरेक्टली, है ना, आप उसको चबा सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे करके आप उसको चबा सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं और आजकल इसके कैप्सूल भी आने लगे हैं। पाउडर को कैप्सूल में भर दिया जाता है, आप चाहें तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। मुलैठी लाओ, बहुत बारीक पाउडर बनाओ, कैप्सूल भी मिलते हैं और उन कैप्सूल को आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। जिन दिनों आपको बहुत ज़्यादा कफ होती है, खांसी हो रही है, उन दिनों आप इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कॉफ के लिए हमने लिया है, मैंने खुद ने लिया है, मैं पहले प्ले करता था काफ़ी, तो उससे पहले भी मैं मुलैठी लेता था जिससे आवाज़ आपकी जो खराश आती है आवाज़ के अंदर वो सुप अच्छी हो जाती है। स्टोमक के लिए, इंडाइजेशन के लिए, इसके अंदर जो होता है एक केमिकल होता है ग्लाइरिजीन करके केमिकल होता है, वो स्वीटनिंग एजेंट होता है और मोस्टली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो इसी एजेंट के कारण होती है। अब हेयर बेनिफिट क्या क्या है, ल्यूकोराइस पाउडर प्रमोट्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प एंड नरिशेस द रूट्स बाय सप्लाइंग द वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द हेयर फॉलिकल, दिस हेल्प टू अरेस्ट द हेयर फॉल एज वेल एज कंडीशन द हेयर, एडिंग ए हेल्दी शाइन टू इट प्रमोट्स द हेयर ग्रोथ एंड कंट्रोल्स द डैंड्रफ। एज आई सेड, इसका जो केमिकल होता है इसके अंदर जो मैंने बताया आपको, वो हेयर रूट्स के अंदर जाता है, उसके सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो बालों की जड़ों में जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, उसको कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ईचिंग को कंट्रोल करता है। इसके बारे में बहुत सारे पेपर्स हैं, एज आई सेड कि मैं कोई भी चीज को बिना किसी बेस के नहीं बोलता, ये तो मेरा उसके प्रति क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, ये मैंने स्वयं काम में लिया होता है, ये मैं साइंटिफिक पेपर पढ़ने के बाद में ही कोई भी नॉलेज आपके सामने लेके आता हूँ, बिना किसी साइंटिफिक बेस के मैं कोई बात आप लोगों को नहीं देता हूँ। इसके अंदर आप यदि स्टडी करेंगे तो इसका मुलैठी के का एक्सट्रैक्ट बनाया गया इथेनॉल में, है ना, इथेनॉल में 10% एक्सट्रैक्ट को और मिनोक्सिडिल 5% के साथ में इसको कंपेरेटिव, एक स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, और भी आपको ऐसी स्टडीज मिल जाएगी, आई थिंक इट्स वर्थ सीइंग इट, यू मस्ट सी। एंड इन दिस स्टडी दे प्रूव्ड दैट इट इज सुपीरियर देन द मिनोक्सिडिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका 10% मुलैठी का इथेनॉल में सॉल्यूशन और मिनोक्सिडिल का 5% इथेनॉल में सॉल्यूशन को पेशेंट्स पे अप्लाई किया गया तो दे फाउंड द रिजल्ट्स वर बेटर। ऑल्दो दीज आर द शॉर्ट स्टडीज, दे नीड्स मच मोर एक्सटेंसिव स्टडी टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ दिस। देन इट हैज बीन यूज्ड फॉर द फेस मास्क आल्सो, फॉर शाइनिंग एंड ग्लोइंग ऑफ द स्किन, सूदनिंग ऑफ द स्किन,
इट हैज बीन एन अगेन देयर यू कैन गेट द लॉट ऑफ पेपर इन फेवर ऑफ द स्किन ट्रीटमेंट टू इंक्रीज द स्किन ग्लो. देन पोस्ट मोनोपोजल वुमेन के लिए इट अफेक्ट्स द एस्ट्रोजन लेवल आल्सो, तो इट हेल्प्स इन द पोस्ट मेनोपोजल प्रॉब्लम आल्सो. फॉर अस्थमा एज सेड इट्स ए रामबाण दवा, इट्स ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन एंटी कैंसर, दे आर पेपर इन सपोर्ट ऑफ दिस. देन इट प्रिवेंट्स द एसिड रिफ्लेक्स इनडाइजेशन आल्सो, एसिड रिफ्लेक्स हार्ट बर्न के लिए. जैसा मैंने आपको बताया कि दो मेन रोल के लिए काम में लाता गया है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. इनडाइजेशन के लिए भी इसके अंदर पेपर है, ये सारे के सारे पेपर उससे रिलेटेड हैं. फिर एक्नी के लिए भी इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि ओवरऑल जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रिजुविनेशन का काम करता है, कोशिकाओं के सूजन को काम करता है. तो एक्नी जो है वल्गेरिस, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी यू कैन गेट दिस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. देन फॉर डायबिटिक आल्सो इट हैज बीन प्रूव सम इफिकेसी एंड दे आर पेपर इन द सपोर्ट ऑफ दिस. देन स्किन की डर्माटाइटिस के अंदर यदि इसको लगाया जाता है, इसके लेप को लगाया जाता है या इसके एक्सट्रैक्ट को लगाया जाता है, तो स्किन की डर्माटाइटिस में भी हेल्प करता है. देन यू कैन यूज दिस, एज आई सेड इट कैन बी अप्लाइड इन द वेरियस कॉस्मेटिक्स एंड यू कैन मेक मास्क ऑफ इट. ऑयल के अंदर, जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के अंदर आप इसको डाल देते हैं, इसके पाउडर को कुछ समय तक उसको रखते हैं धूप के अंदर. देन यू अप्लाई ऑन योर फेस, कीप इट फॉर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स. देन यू कैन वॉश, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ग्लो ऑफ द फेस स्किन एंड इट ऑल्सो टाइटन योर फेशियल स्किन. देन As I said, this can be used as an oil, this can also, powder can be used and you can also boil it, keep it and then you can drink it also. Too much of use of this should be avoided. Too much of anything should be avoided. आते हैं, शॉर्ट में कहूँगा कि मुलेठी हमारे घर में हमेशा रहनी चाहिए. खांसी के अंदर इसका बहुत अच्छा उपयोग है, आवाज़ की खराश को दूर करने के लिए. डाइजेशन इनडाइजेशन हो रहा है आपको, एसिडिटी हो रही है, तो आप इसका पाउडर ले सकते हैं, इसके कैप्सूल ले सकते हैं, इसका फेस मास्क बना सकते हैं. हेयर के अंदर इसको ऑयल में डाल सकते हैं, आप ऑयल बना सकते हैं एक्सट्रैक्ट में, इसके एक्सट्रैक्ट को ऑयल में डाल करके देन यू कैन यूज़ इट, और इसके एक्सट्रैक्ट को आप इथेनॉल में डाल के यू कैन यूज़ इट एज ए मिनोक्सिडिल टाइप ऑफ सॉल्यूशन टू प्रमोट द हेयर ग्रोथ. थैंक यू वेरी मच.